विदाउट ट्रायल, मैं कह रहा हूं विदाउट ट्रायल किसी को जेल में डाला है क्या इन 10 सालों में? संविधान की हत्या की, इसलिए 25 जून को प्रत्येक वर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसमें गलत क्या? ये 25 जून 1975 को जब इस देश में इमरजेंसी लगी और एक तरह से हम कह सकते हैं कि संविधान की हत्या की गई, एक साथ विदाउट ट्रायल लाखों लोगों को जेलों में डाल दिया गया, प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी गई, संविधान में बदलाव करके संविधान की आत्मा को ही खत्म कर दिया गया था। तो ऐसे दिवस को जब हम 50वें वर्ष में प्रवेश कर गए इमरजेंसी के कालखंड को देखते हैं 75 से, तो भावी पीढ़ी को ध्यान रहे कि ऐसा भी एक कालखंड आया था जब कांग्रेस ने और कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश की संविधान की आत्मा को भी मार दिया था, संविधान को भी खत्म कर दिया था। इसलिए संविधान की हत्या की, इसलिए 25 जून को प्रत्येक वर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसमें गलत क्या है? वो क्या कह रहे हैं? वो पॉलिटिकल आंसर दे रहे हैं इसका। अब कोई आदमी भ्रष्टाचार करेगा जेल में है, उसको इसके साथ जोड़ोगे क्या? विदाउट ट्रायल, मैं कह रहा हूं विदाउट ट्रायल किसी को जेल में डाला है क्या इन 10 सालों में? विदाउट ट्रायल उन्होंने जेल में डाल दिया, संविधान की आत्मा की हत्या कर दी। इसलिए हम इसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का कल निर्णय किया है।